मॉनसून सत्र के दौरान गुरुवार को एक बार फिर राज्यसभा में जया बच्चन को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने आज समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन के समर्थन में राज्यसभा से वॉकआउट किया। वॉकआउट करने के बाद सोनिया गांधी सहित विपक्ष के तमाम नेता बाहर आए और मीडिया से बात की। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि सदन की वरिष्ठतम सदस्य हैं जया जी, जो कुछ उन्होंने कहा उसके साथ पूरा विपक्ष खड़ा है। दरअसल आज जया बच्चन और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के बीच जोरदार बहस हुई। इस बीच सदन का पारा गर्म रहा। जया बच्चन ने बोलते हुए कहा कि मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ कि मैं एक कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ और सर मुझे माफ करिएगा लेकिन आपका टोन जो है वो स्वीकार नहीं है। हम सहयोगी हैं सर, मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी। इसके बाद जगदीप धनखड़ ने कई बार उन्हें सीट पर बैठने को कहा। इसके बीच में सत्ता पक्ष में भी शोर करने लगा। I'll tell you what happened is, जो कहा जाता है चेयर से ठीक है, वो चेयर पे बैठे अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। आई ऑब्जेक्टेड टू द टोन यूज्ड बाय द चेयर। वी आर नॉट स्कूल चिल्ड्रन, वी आर ऑल एंड सम ऑफ अस आर सीनियर सिटीजन्स। आई वॉज अपसेट विद द टोन एंड स्पेशली व्हेन एलओपी स्टूड अप टू स्पीक ही हैड स्विच्ड ऑफ द माइक। हाउ कैन यू डू दिस? ये तो परंपरा के खिलाफ है। You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? तब धनखड़ ने कहा कि मुझे पता है कि इससे कैसे निपटना है। धनखड़ ने कहा कि जया जी आपने बड़ी प्रतिष्ठा हासिल की है, आप जानती हैं एक एक्टर भी हैं, डायरेक्टर के कारण होता है आप वो नहीं देख पाती जो मैं यहाँ से देखता हूँ। हर दिन मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ कि मैं वैसा शख्स है जो आउट ऑफ द वे जाकर कहती हैं माय टोन। लहजा बहुत इसको अवॉइड कर दिया। आप कोई होंगी, आप सेलिब्रिटी हैं, आपको डेकोरम समझना होगा। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। ऐसा मत सोचिए कि केवल आपकी ही प्रतिष्ठा है, यहाँ जो बैठा है उनकी सबकी प्रतिष्ठा है। बता दें जया बच्चन कुछ दिन पहले भी दो मौकों पर सदन में इसी तरह भड़क गई थी। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने जया बच्चन को जब जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया तो वो भड़क गई थी। हफ्ता भर पहले 2 अगस्त को जया बच्चन ने खुद ही अपना परिचय जया अमिताभ बच्चन कहकर दिया। तब भी राज्यसभा के आसन पर सभापति धनखड़ ही बैठे थे। तब जया ने खुद ही चुटकी लेकर अपने नाम के साथ अमिताभ जोड़ा, लेकिन सप्ताह भर में ही उन्हें अपने नाम के साथ अमिताभ लगना चुक गया। वो भी तब जब उन्होंने राज्यसभा सचिवालय को अपना आधिकारिक नाम यही लिख कर दी है, जया अमिताभ बच्चन। अगर अपना आधिकारिक नाम पुकारे जाने पर कोई इस कदर भड़क जाए तो ये मानना तो पड़ेगा ही कि वो सच में कलाकार है।